हेलो डियर्स, गूगल क्लासरूम रो प्लाटफर्म माध्यम रे एवं डिजी स्किल लर्निंग प्रोग्राम इन लोकल लैंग्वेज रो वीडियो कंटेंट सीरीज माध्यम रे आमे आलोचना करूछु फ्रीलांसिंग। पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथले फ्रीलांसिंग रो सोपान कोन तार प्रथम भाग। एही प्रश्न उपरे आमे आज आलोचना करिबा फ्रीलांसिंग रो सोपान कोन द्वितीय भाग। आज वीडियो कंटेंट को आग को आलोचना करने पूर्व मुझे अनुरोध करी जे मोर वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करी शेष पर्यंत निश्चय देखु फलर एठारे आलोचना करा जाऊथवा जरूरी इनफॉरमेशन रही एवं बुझीबा लगी सहज हो पार। आशा करूँ वीडियोटी निश्चय शिक्षण एवं इनफॉरमेशन प्रदान कर तेणु एठारे एतिकी कहिबाकु चाहिबी जे जदि मोर वीडियो शिक्षणीय लागे इनफॉरमेशन प्रदान करे यूजफुल लागे तेबे मोर वीडियो कंटेंट सीरीज को निश्चय देखंतु एवं मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु कारण मु एठारे फ्रीलांसिंग एवं डिजी स्किल उपरे वीडियो कंटेंट अपलोड करिथे जहार नोटिफिकेशन जल्दी पाई परिवे। आउ अधिक किछि आलोचना करि समय नष्ट न करि आरंभ करिबा आजिरो वीडियो कंटेंट। मु हेउछि प्रोफेशनल डिजी स्किल एवं फ्रीलांसिंग गाइड। मु ओडिया भाषा रे निज भाषा रे फ्रीलांसिंग उपरे लोकमानकु सिखाइथे। आमे आलोचना करूछु फ्रीलांसिंग रो सोपान रो प्रथम भाग रे जानिथिले डिजी स्किल वेबसाइट फ्रीलांसिंग वेबसाइट एवं यही द्वितीय भाग में आम आलोचना करिबा इंटरनेट उपरे डिजिटल उपकरण सोशल नेटवर्क मार्केट प्लेस विषय। वर्तमान आम देखिबा इंटरनेट उपरे आम किछि आलोचना करिबा इंटरनेट कौन। इंटरनेट हेउछि विश्वव्यापी कंप्यूटर माध्यम रे हेउथुबा जोगाजोग ओ नेटवर्क सेंटर मध्य संयोजना कराई यार प्रसार और प्रभाव को उपलब्धि करने निम्ते प्रतिष्ठा कर एक व्यवस्था। यही व्यवस्था सहायतार जेकोसी कंप्यूटर उपभोक्ता बा व्यवहारकारी निजर घरे बसी निकट नेटवर्क होता पृथ्वीर जेकोसी कंप्यूटर सहित संजोग स्थापन कर निजर आवश्यकता को पूरण कर अर्थात इंटरनेट माध्यम रे डिजिटल उपकरण गुड़िक जोड़ी हुए। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कौतूहल कथा है यही इंटरनेट व्यवस्था रही मालिक नुहति बा कौन सी एक निर्दिष्ट कंपनी द्वारा इंटरनेट परिचालित हो न था। इंटरनेट बेस पुराना नुहे यार परिकल्पना 1969 रे युक्तराष्ट्र आमेरिका प्रतिरक्षा विभाग रे प्रथम गोटे प्रोजेक्ट माध्यम रे कंप्यूटर रो नेटवर्किंग आरंभ करथिला। एही नेटवर्क टीर नाम थिला आर्पनेट बा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एही नेटवर्क आरंभ होइथिला कैलिफोर्निया रे गोटे एवं उताहा ठारे थिबा तीनोटी कंप्यूटर सहित। 1970 रे एही प्रोजेक्ट सहित आउ केतेटी कंप्यूटर शामिल होइथिला। 1973 रे प्रथम आंतर्जातिक नेटवर्क आर्पनेट यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन एवं नर्सर मध्य होता 1982 नेटवर्क संयोजना फल सृष्टि होता व्यवस्था को नेटवर्क कहगला। यह वर्ष टीसीपी आईपी व्यवहित होता इंटरनेट प्रतिष्ठा है। परवर्ती समय धारे अनेक पर घटी 1990 मसीह व्यवसाय क्षेत्र में प्रथम कमर्शियल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कार्य आरंभ कला। ये तो गला इंटरनेट रो इतिहास विषय। एबे इंटरनेट रो विभिन्न अंश विषय जानिबा। इंटरनेट रो अंश गुड़िक हला वेब वेबसाइट साइबर स्पेस आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वेब कहले कौन वेब हेउछि साधारण अर्थ रे बुढ़ियाणी जाल को बुझाई थे। बुढ़ियाणी जाल रे
ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସୂତା ସହାୟତାରେ ବେଶ ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରେ ଗତି କଲାପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେଟୱାର୍କରେ ଆରାମରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କରିପାରେ। ତେଣୁ ୱେବ୍ କହିଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଉପାୟରେ ମିଳିପାରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ସମାହାରକୁ ବୁଝାଏ। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହେଉ ବା ୱେବ୍ ହେଉ ଏମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା ଜାଗା ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ୱେବ୍ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ଥାନରେ ୱେବ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଦୋଷାବହ ନୁହେଁ। ୱେବ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପୋଷ୍ଟାର ଯେଉଁଥିରେ କି ସୂଚନା, ଲେଖା, ଚିତ୍ର, ଭିଡ଼ିଓ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆନିମେସନ୍ ଆଦି ସବୁ ରୂପରେ ପାଇପାରୁ, ଆଜି ୱେବ୍ ପେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମାଉସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ଦର୍ଶନ, କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେକୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଆମ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି। ଖାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ୱେବସାଇଟ୍ କ'ଣ? ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ସମାହାର। ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଏକ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଲାଗି ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ୱେବସାଇଟ୍ର ଏକ ଆଡ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ URL ବା ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର୍ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି URLର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ୱେବ୍, ହୋଷ୍ଟ, ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍କୁ ଆମେ HTTP ରୂପରେ ଜାଣିଥାଉ। HTTPର ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ସାଧାରଣ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପଠାଇବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ସେହିପରି FTP, HTTPS ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। WWW ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ହେଉଛି ସେହି ସାଧନ ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପେଜ୍ ସହ ସଂଯୋଜନ ଆଣିପାରେ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ WWW ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଥିବା ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମାହାର, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେଟୱାର୍କରେ ଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ପେଜ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପେଜ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରେ। ୱେବ୍ରେ ଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୌଶଳକୁ ଆଧାର କରିଥାନ୍ତି, ଏହି କୌଶଳକୁ ହାଇପର୍ ମିଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ହୋଷ୍ଟଟି ୱେବସାଇଟ୍ର ଏହି ଅଂଶରେ ୱେବସାଇଟ୍ର ବାସ୍ତବ ନାମଟି ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍, ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ର ଅଂଶଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଟେ ତାହା ଜଣାପଡ଼େ, ଯେପରିକି .co .edu .org .gov .mil .net। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା .co ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀର ଅଟେ। ଏଡିୟୁରୁ ଜଣାପଡ଼େ .edu ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ବୋଲି। ORGରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ୱେବସାଇଟ୍। GOVରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୱେବସାଇଟ୍ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି MILରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ମିଲିଟ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ର ୱେବସାଇଟ୍। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କଣ୍ଟ୍ରି। URLର କଣ୍ଟ୍ରି ଅଂଶଟି କେଉଁ ଦେଶର ସାଇଟ୍ ଅଟେ, ୱେବସାଇଟ୍ଟି କେଉଁ ଦେଶର ସାଇଟ୍ ଅଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। କଣ୍ଟ୍ରିର ଏହି ସାଇଟ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ୱେବସାଇଟ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି AU AUର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, IN ଭାରତ, PK ପାକିସ୍ତାନ, ଏହିଭଳି ୱେବସାଇଟ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖିବା
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बा आईएसपी कौन? आईएसपी है सही संस्था जी आम को इंटरनेट रु सूचना तथ्य पाइबा लगे सुविधा प्रदान कर आईएसपी गुड़िक केवल इंटरनेट रे एक्सेस करिबा लगे तथा मेल सर्विस देवा लगे साहय करे ता नुहे यह मध्य व्यवहारकारी को सेमानकर निजस्व साइट नेविगेट करिबा लगे आवश्यक सॉफ्टवेयर जोगे थे। कमर्शियल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सुविधा सुजोग पाइबा को हेले आमको तार सभ्य हेबा को हेबो हुए एमएसएन गूगल याहू आदि आईएसपी गुड़िक इंटरनेट एक्सेस सहित आमको अन्यान्य सेवा मध्य जोगे थांती जीपरी एमएसएन ट्रैवल गेम ऑनलाइन लाइब्रेरी शॉपिंग आदि ठीक से परी आईएसपी रो आउ गोटे प्रकार आईएसपी देखा जाए जाकू आम कहूँ लोकल आईएसपी जी गुड़िक इंटरनेट को एक द्वार सदृश कार्य करती एवं ईमेल तथा इंटरनेट आक्सेस सहित अन्य कौन सी सेवा प्रदान कर आईएसपी सेवा लगे आमको मूल्य देवा होता है कौन सी कमर्सील आईएसपी खर्च ठार् कौन सी लोकाल आईएसपी सेवा खर्च कम। बर्तमान देखा वेब सर्च इंजिन वर्ल्ड वाइड वेब जरिया सूचना ठाब करने निम्ते वेब सर्च इंजिन बहु भाव साहय करे यह हूँ डाटाबेस गुड़िकर समाहर जहाँकि हजार हजार संख्यार तथ्य सूचना धारण करें व्यवहारकारी ठार् व्यवहारकारी एठारे खोजा को चाहूवा सूचनाटी को एक क्यूरी आकार रे वेब सर्च इंजिन को प्रदान एवं प्रदत्त सत्त अनुजाई वेब सर्च इंजिन यह खोजी थाए व्यवहारकारी उपभोक्ता डाटाबेस मध्य सर्च इंजिन एक इंटरफेस प्रदान इंटरफेस रे व्यवहारकारी खोजा को चाहूवा सूचनाटी को एक स्ट्रेरिंग आकार रे प्रदान करें जहाँकि गोटे शब्द हो पारे वाक्य तारीख अन्य किसी हो पारे एवं सूचना ठाब करने लगी एक अनुरोध प्रदान करतेक लोकप्रिय सर्च इंजिन गुड़िक उदाहरण है याहू गूगल एमएसएन अल्ट्रा भिस्टा आदि। आशा करूँ आम इंटरनेट विषय केते कथा जापारे यहाँ आम आलोचना करवा डिजिटल उपकरण एवं सोशल नेटवर्क मार्केट प्लेस विषय डिजिटल उपकरण गुड़िक विषय आम जानु मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप आदि ये सब उपकरण गुड़िक आम व्यवहार करूँ एवं स्मार्टफोन आम समस्त व्यवहार करूँ एमें आम सांगसाथी मान कथबार्ता होगा सह गीत शुणा वीडियो देखा मोबाइल कैमेरा निजर फोटो उठाइबा निजर हिसाब किसाब हिसाब किताब करवा कैलेंडर देखा सांग चैटिंग करवा वीडियो माध्यम रे मीटिंग करवा निजर क्यूरी समाधान लगे गूगल रे सर्च कर पारिबा यूट्यूब रे निजर मन मुताबक वीडियो खोजी देखिपरिया आदि सेवा सह मोबाइल माध्यम रे निजर बैंक अकाउंट संबंधी तथ्य मोबाइल बैंकिंग माध्यम रे जानिपरिया टंका उठाई पारिबा कौन सी ऑफिस रे साक्षात लगे अपॉइंटमेंट को अनुरोध करिबा करि पारिबा निज लगे चाकरी खोजा लगे एप्लीकेशन अप्लाई करवा सरकारी बेसरकारी सेवा लगे आम एप्लीकेशन अप्लाई करवा आदि समस्त कार्य स्मार्टफोन हो पार्टी। स्मार्टफोन रो बहुमुखी उपयोगिता जो आम दैनंदिन जीवन जापन क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन सृष्टि करिछि। वर्तमान देखा सोशल नेटवर्क मार्केट प्लेस सोशल नेटवर्क मार्केट प्लेस गुड़िक भीतर आम जानु व्हाट्सएप यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर आदि। आज आम जोगाजोग क्षेत्र में बहुत अद्भुत विकास घटू विश्व को गोटे परिवार आख्या दिया जाइछि। आजिकाली इंटरनेट जरिया संपर्क स्थापन बहुत सहज हो पारुछि। पृथ्वीर कोण अनुकोण रे बसवास करथवा इंटरनेटकारी माने निज निज भितरे भावर आदान प्रदान निमित्त बंधु बांधुछंती याकु कहा जाए सोशल नेटवर्किंग। आधुनिक युग रे नुआ संपर्क आरंभ बेसी दिन नुहे कारण नेटवर्क आरंभ 70 दशक पुणी एही माध्यम टी सबु दृष्टि सक्षम होबा लागि आहुरी 20 वर्ष लागला
2000 ବେଳକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏହି ଆଲୋଚ୍ୟ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଦ୍ଧତି ଆମ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବୟସ, ସ୍ଥାନ, ଜୀବିକା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ନେଇ ଯେପରି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଘ ଗଠନ କରନ୍ତି ବା ଗଠନ କରୁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନିଜର ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ଲାଗି ସମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏକ ସଂଗଠନ ରୂପରେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସହଶରୀରରେ ଏକାଠି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜରିଆରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଆଲାପ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଏହି ମଞ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କିଂର ମାଧ୍ୟମ। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏ ପ୍ରକାର ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବା ଓ ନେଟୱାର୍କରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 150ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ସାଇଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ନେଟୱାର୍କ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଫେସବୁକ୍, ମାଇ ସ୍ପେସ୍, ଟ୍ୱିଟର ଆଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ସାଇଟ୍। ସେ ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆମେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆମେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିପାରିବ। ଏତିକି କହି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି।